नमस्कार दोस्तों, अपना गुस्सा कमेंट बॉक्स में निकालने से पहले मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। हाल फिलहाल में ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक बार मैं आपको इसकी झलक दिखा देता हूँ। देखो भाइयों, मत रहने लेना, अपनी जान जोखिम में डालोगे। ये देखो दो पीस हो गए हैं, ये चेसी टूट गया है भाई की स्थिति देखो आप। ये अगर गियर नहीं होता तो क्या होता आज? बस अलग टांग गिरी। ये तो भाई हमारा पंजाब का पक्का है, नहीं तो बेल्डिंग भी नहीं टूटी है। गाड़ी देखो आप, टूट गई है, ये चेसी टूट गई है भाई लोगों। ये चीज टूट गई है जी, ये देखो आप, ये टूट गई है। वेल्डिंग तो यहाँ पे है, वेल्डिंग नहीं टूटी है, वेल्डिंग यहाँ पे है, लोहा ही टूट गया इसका। ये देखो भाई लोग, और चलाओ हिमालयन, ले लो मजे। अब जब ये वीडियो मैंने पहली बार देखा तो मेरे दिमाग के अंदर सबसे पहले जो थॉट आया वो ये था कि मैं आखिर क्यों 2 लाख रुपए दूं और ऐसी गाड़ी खरीदूं जिसका चेचस अलग हो जाता है, जिसकी फ्रेम टूट जाती है और टायर अलग हो जाता है, मेरे लिए जान को खतरा हो जाता है। ऐसी गाड़ी आखिर मैं क्यों खरीदूं? आपके भी दिमाग में यही सवाल आया होगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने शायद मिस कर दिया है, मैं आपको दोबारा से सुनाता हूँ। कभी हिमालयन मत रेंट पे लेना, रेंट पे लेना, सुना ना? कभी हिमालयन मत रेंट पे लेना। देखिए दोस्तों, यहां साफ झलकता है कि ये उनकी कोई पर्सनल बाइक नहीं थी जिसका वो खुद केयर कर सके। यहां पे साफ तौर से उनकी गलती थी कि उन्होंने ऐसी जगह से बाइक रेंट पे लिया है जहां पे बाइक की केयर अच्छे से नहीं की जाती है, बाइक की सर्विस अच्छे से नहीं की जाती है। और ये तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेंट पे लेने से पहले बाइक को अच्छी तरह से देखें कि कहीं क्रेक तो नहीं है, कहीं वेल्डिंग तो नहीं कर रखी। यहाँ पे कहीं हिमालयन की कोई गलती नहीं है, रॉयल एनफील्ड की कोई गलती नहीं है। पर यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी है जो बिना पूरी वीडियो देख के ही रॉयल एनफील्ड पे चढ़ गए होंगे, रॉयल एनफील्ड की बहुत बुराई करने लग गए होंगे। पर मैं आपसे विनती करता हूं कि किसी भी चीज को हवा बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें। किसी भी यूट्यूबर की बातों पे विश्वास करने से पहले अपनी रिसर्च कर लें कि वो किस हद तक आपको सही चीजें बता रहा है। मिलते हैं जी अगली वाली वीडियो में। राम राम।